हेलो गाइस, मैं आप सभी का जेडी भाई आ चुका हूँ न्यू ब्लॉग लेके। आप देख सकते हैं स्टेशन रांची स्टेशन में हूँ मैं। उसका बाद बोलता हूँ मैं, आज ट्रेवल का ब्लॉग मिलेगा भाई। मैं ट्रेवल का आज ब्लॉगिंग दिखाऊंगा और मैं सिस्टर का शादी में जा रहा हूँ तो मैं वेस्ट बंगाल भी दिखाऊँगा। फिर जाके आगे आपको आगे मिलता हूँ वीडियो में। अभी इतना ही, भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है और भीड़ के आगे तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। ट्रेन में देखता हूँ कितना भीड़ है, बैठने उठने मिल सकता है कि नहीं। शायद 4 घंटा 5 घंटा का रास्ता है। मैं पुरुलिया आपका वेस्ट बंगाल घुस जाऊँगा तो 11 साढ़े 11 बजे तक आप वेस्ट बंगाल 1:30 बजे तक मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। आगे तो बहुत भीड़ है देख सकते हैं, आगे पीछे सब जगह जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ खड़ा होकर जा रहा हूँ तो आगे वेस्ट बंगाल का मैं ब्लॉगिंग दिखाता हूँ, ड्राइविंग दिखाता हूँ मैं। क्या ये बोला मेरा भाई? देख सकते हैं स्टेशन उतर चुका हूँ पुरुलिया में। आज बड़ी भीड़ है, थोड़ा बैठने से कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। पीछे पापा है देखिए, आगे जाके बस स्टैंड में टेम्पो में पहले बैठूंगा, उसके बाद बस स्टैंड जाऊंगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, गर्मी है ना, मोटा मोटा पहन के तो बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है भाई, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो आगे जाके दिखाता हूँ मैं। क्या बात है, भाई घड़ी लग गया, स्क्रैच आ गया। चलो आगे मिलता हूँ, है ना, टेम्पो में बैठ के। मैं टेम्पो में बैठ चुका हूँ, बस स्टैंड जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे मिलता हूँ बस स्टैंड में का पास बैठ के। और रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे से जाके, है ना। तो रास्ता आपको दिखाते जाता हूँ धीरे धीरे कि कहाँ तक बस स्टैंड है। देखिए आपको दिखाता हूँ बस मेरी तो ये है। बस के बाद तो बस स्टैंड में बहुत बस स्टैंड है, बहुत सारा बस है भाई, आप देख सकते हैं। आगे जाके मैं दिखाऊंगा तो बस ही बस है, पीछे तक कम से कम बहुत पीछे तक बस है। तो पुरुलिया में बहुत बड़ा बस स्टैंड यही है पुरुलिया का। उसके बाद मैं तो रांची का उतना बड़ा तो एसी उसी का आता है रांची में कर करके। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ जो बात अलग होता है तो बस स्टैंड का। मैं बस में दिखाऊंगा आपको अंदर जाके कि सीट कैसा मेरे को मिला है। सीट उतना खास मिला नहीं है, मैंने भूल गया था मैं तो। उसके बाद इंटर दे रहा हूँ अभी,
जय श्री महाकाल। और सभी लोग भाई और बहन लोग कैसे हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया का आपको कमेंट अच्छा लगा तो, ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को बोलिएगा, मैं बोल सकता हूँ अपने बस में चढ़ कर आपको वीडियो दिखाते रहूँगा बीच बीच में, फिर हम घर तक पहुँचूँगा, उसके बाद मैं आगे मिलूँगा है ना, घर के शाम तक मैं आपको वीडियो डाल के दूँगा, थोड़ा थोड़ा वीडियो, मेरे को उतना ब्लॉगिंग में बोलने का नहीं आता है, मगर जितना भी बोल रहा हूँ उतना भी सही है मेरे लिए। तो खूबी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक मेरा जे डी गुराई है और इंस्टाग्राम में मेरा जे डी गुराई 205 है, 205 भूल जा रहा हूँ, भी इंस्टाग्राम में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैं इंस्टाग्राम में लाइव बहुत कम आता हूँ इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा 205 है कि जे डी गुराई 205 है कि जो भी होगा मेरे को आप बोल सकते हैं ना। हेलो गाइस, मैं बस में बैठ चुका हूँ, बस का दिखा रहा हूँ, तो बस का सीट उट तो ऐसा है तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा है, मगर हाइट बहुत मेरे लिए छोटा है, सीट में बैठा हुआ हूँ तो थोड़ा लग रहा है कि मेरे को अच्छा है, ऐसा बात करना है, मशीन तो बहुत अच्छा है, आगे दिखाते रहता हूँ बीच में मैं ब्लॉगिंग क्या। मैं तो आँख तो ऐसे हो गया भाई, चश्मा लगाना पड़ेगा मेरे को। मुट्ठी मेरा टड़ा हो जा रहा भाई, बैठ राइट फूड इन चलिए ना, वैसे ही थोड़ी ना, मम्मी लोग तो गई है ना, लेके गई होगी, हम लोग कल जाना है तो सारे घर में। अब वीडियो में थोड़ा जम के दिखाऊंगा, थोड़ा अच्छा से बोलने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मेरे को उतना वीडियो ब्लॉगिंग तो पता नहीं है कैसे कैसे बनाया जाता है और क्या किया जाता है। मेरा अरे बहुत जाम है भाई। चलो भाई, मैं आ चुका हूँ फिर से वीडियो में, तो मैं घर में आया था तो मैं आपको बोलने वाला था कि घर में मेरे बिजी हो गया था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अभी नहाने के लिए मैं फ्री हुआ हूँ तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बना ले रहा हूँ। तो मैं आज तो नदी में नहा रहा हूँ, तो नदी में देख रहे हैं भैया का, मेरा मौसी के बेटा का, मेरे भैया लगते हैं उनके साला हुआ अभी नहाने गया है, तो मैं सोचा अभी थोड़ा वीडियो बना लूँ, तो वीडियो बनाने के बाद तो मैं नहाऊँगा, उसके बाद फ्रेश व्रेश हो के बाद थोड़ा बंगाली में जो शादी उदी का ये होता है तो वो सब मैं करूँगा। तो वीडियो में नहाने तक ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट आपको शादी का मिल जाएगा, और अब दिखाता हूँ मैं अगले वीडियो में कि कैसे कैसे वीडियो रहेगा। अभी नहाने का कुछ क्लिप उलिप दिखा दूंगा आपको, यहाँ के देख सकते हैं लोकेशन बहुत सही है, लोकेशन तो इतना सही है ना भाई, क्या बोलूँ मैं, ज़बरदस्त है, चारों पट्टी जंगल, मस्त एकदम नदी है, नदी का तो पानी बहुत क्लियर आ रहा है। तो हम फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ मैं अपना, है ना, कैसा है बैक कैमरा से, पानी इतना क्लियर है ना भाई, क्या बोलूँ, ज़बरदस्त बालू है, मस्त एकदम नज़ारा है, देख सकते हैं चारों पट्टी के पहाड़ वहाड़ भी है, मस्त एकदम। हम लोग वही जूता वूता कपड़ा उपड़ा पहाड़ के ऊपर रखा हुआ हूँ, छोटा छोटा पहाड़ है तो देखो ब्रो नहा रहा है, ब्रो साबुन उबुन पूरा एकदम कमछी लपेट के नहा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हवा तो इतना ज़बरदस्त आ रहा है, तो आगे तो हमको लग रहा है चिमनी जो दिख रहा है ना आपको, वो ईटा वही क्या बोलते हैं ईटा जो बनता है आपका घर में, जो ईटा लगता है तो वही घर का है। तो आपको जूम करके कुछ दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं बालू वालू गिट्टी उट्टी सब रखा हुआ है, तो वहाँ पर ईटा बनता है ना, और चिमनी के वजह से तो ऊपर धुआं निकलता है उससे। यहाँ शमशान का जो काली माँ होता है, तो मंदिर है बहुत बड़ा, तो मंदिर में मैं दिखाऊँगा अच्छा से, यहाँ सप्लाई पानी भी यूज होता है नदी से,
का बोलते हैं यहाँ से पानी जाता है ये वाला से। एगो देखिए वहाँ पर पानी का ही है जो ये दो दिख रहा आपको, ये दोनों क्या जो ऊपर में सिंग जैसा निकला हुआ दो, तो उससे पानी सप्लाई होता है वहाँ पर फिल्टर होके। मशीन आपको आगे मिल जाएगा, मशीन लगा हुआ फिल्टर होके उससे पानी निकलता है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी तो फिर मैं सोचा घर का मैं वीडियो बना के दूंगा, तो घर में कल इतना बिजी हो गया था मैं, तो बिजी होने के बाद तो मैं ये किया नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी नहाने टाइम में कुछ वीडियो बना लूँ, कुछ क्लिप मैं ज्वाइंट कर लूँ, उसका बाद तो मैं दिखाते रहूँगा। ये फर्स्ट पार्ट है ये शादी का वेस्ट बंगाल का, और मैं अगले बार से आपको अच्छा बोलने का कोशिश करूँगा, कि अभी उतना मेरे को उतना ब्लॉगिंग का तो बोलने का आता है नहीं उतना सही से, तो मैं दिखाता हूँ तो अगले बार पार्ट में। और कुछ कुछ क्लिप दिखाता हूँ नहाते हुए मैं मस्त एकदम मगन से। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को मेरे को अच्छा से जितना हो सके, और कमेंट कर सकते हैं, कमेंट मेरा सेक्शन खुला हुआ है तो कमेंट कर सकते हैं अच्छा से। और लोकेशन सही लगे तो मेरे को बोल सकते हैं ना, तो मैं घूमने उमने के आ सकता हूँ, तो आप लोगों को बुला लूँगा जो मेरा जानकारी का दोस्त लोग होगा, तो वो लोगों दो दिन के लिए एक दिन के लिए मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा घूमने उमने के लिए। मेरा यहाँ मौसी घर है, तो मौसी घर से मैं आ सकता हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पहाड़ से तो मेरे को बहुत सही लग रहा भाई, जो लोग देख सकते हैं पानी इतना क्लियर है भाई, क्या बोलूँ मैं। स्नान तो करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा, पानी क्लियर देखने का मेरे को तो इतना शौक है। मैं तालाब में नहाता तो तालाब में पानी बहुत कीचड़ क्या बोलते हैं कीचड़ कीचड़ था, तो उतना नहाने का नहीं मेरे को खुजली हो जाता है ना। तो लोकेशन तो देख सकते हैं आप, सही दिख रहा है, तो लोकेशन एकदम सही है भाई। यहाँ कोई उतना टेंशन नहीं है, आराम से सबको नहाता है मस्त बिंदास से। चलो अगले क्लिप में नहाते हुए हम क्लिप में दिखाता हूँ कुछ नहाते हुए अपना, ठीक है ना भाई। अगले वीडियो में दिखाता हूँ मैं नहाते हुए कुछ ये करके यूनिक चीज़ करके, जंपिंग जपाक वाला सीन चलता है भाई, जड़ी भाई का ऐसे ही। थोड़ा सा आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब करना है भाई, थोड़ा यूनिक वीडियो लाने कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं ना। तो चलो मैं नहाते हुए दिखाता हूँ, मेरा भाई का तो नहाना हो गया, भाई का तो हो गया तो मैं नहाता हूँ, उसके बाद गमछी तो एक ही है तो गमछी का तो बारी बारी नहाना तो पड़ेगा मेरे को। तो अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ नहाते हुए, तो कुछ सिमिटी शॉर्ट दिखाऊंगा उसके बाद देख के बोलता हूँ।